अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास हम लोग ने रिव्यू स्टार्ट की हुई है, हाफ चैप्टर की चैप्टर नंबर 10 की हमने रिवाइज कर लिया था। कुछ टॉपिक रह गए हैं, हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है या उन्होंने वो टॉपिक नहीं पढ़े हुए वो उनका रिवाइज हो जाए और रेडी हो जाए। अच्छा जी, पेज नंबर 7, 11 and 12 हम लोग ने रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। फर्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 7 के ऊपर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने का अमल। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है ये वाला टॉपिक जो है आपका इस दफ़ा जो एग्जाम में उसमें भी आया हुआ था और मोस्टली बच्चों ने ये गलत किया हुआ था। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और जो उससे पीछे वाला सवाल था वो नेथल कैविटी वाला, दोनों में फ़र्क है। तो ये ध्यान से देख के लिखा करें कि कौन सा टॉपिक आया है और हमें उसका आंसर क्या करना है, वो पूरा सवाल जो है वो क्रॉस हो जाता है। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हमें स्टडी करना है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है? सांस लेने का अमल। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यानी वो हमारा फेस मटेरियल है। लेकिन इसी सूरत में हमारी जो रिब्स हैं या पसलियाँ हैं जो लंग्स के इर्द गिर्द प्रोटेक्टेशन या उसकी हफाजत कर रही होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है खिंचाव में आना, रिलैक्स का मतलब होता है ढीले पड़ जाना, ताकि ऑक्सीजन जो है वो ईजिली जो है आपके लंग्स के अंदर जगह बना सके और इन रिटर्न जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दे। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के दो मेथड हैं, यानी दो स्टेप्स इसके अंदर आते हैं। एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहते हैं। इनहेलेशन का मतलब है गैसेज, जो मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जिसके अंदर मेजर हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन का होता है। जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर चली गई नाक के जरिए और वहाँ पर लंग्स में पहुँच गई, तो उसके नतीजे में जो रिब्स या पसलियों के मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो उसका डोम शेप स्ट्रक्चर है या पसलियों के नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ उठेगा। अब क्या होगा, स्पेस जो है, जगह जो है लंग में बहुत ज़्यादा मिल जाएगी उसको जगह बनाने की, और उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अब दूसरा मेथड जो है, इनहेलेशन हो चुकी, रिब्स ऊपर की तरफ उठ गई, अब रिब्स या पसलियों ने नीचे की तरफ आना है, यानी अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर वापस आना। उसके लिए दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या है, गैसेस को आपने लिया नाक के जरिए, उसके बाद रिब्स ऊपर की तरफ उठी, अब रिब्स जो है वो नीचे की तरफ होंगी, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आएगी, सीने के अंदर जगह कम हो जाएगी और 16 से 20 दफ़ा जो है वो एक नॉर्मल इंसान जो है वो सांस लेता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है आम सर्कमस्टेंसेस के अंदर। अब क्या है कि यहाँ पर अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो जाए, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली है, आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, या इसके अलावा जो है मूवमेंट आपकी ज़्यादा है, तो आपको जो सांस लेने का अमल है पर मिनट जो है वो 30 से 40 टाइम्स पर चला जाता है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ब्रीथिंग सिस्टम आपका एक्सीड कर जाए, तो आपके ब्रेन के पास एक सेंटर होता है जिसको ब्रीथिंग सेंटर कहते हैं, वो उसको मैसेजेस देता है कि आपकी बॉडी को कि उसने कैसे कैसे चेंज को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर जो है आपका ब्रेन या दिमाग के साथ में काम कर रहा होता है, जो गैसेज एक्सचेंज में आपकी मदद कर रहा होता है। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसी तरह जो है आपने दोनों हेडिंग्स के साथ इसको लिखना है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 11 के ऊपर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। इसके अंदर भी जो है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्रोंकाइटिस और निमोनिया है, एफएसएमआ आप नहीं करोगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी सांस की बीमारियाँ, हमने जब सांस या चेंज किया तो लंग्स के अंदर कोई भी मसला या इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी वजह से, कोई वायरस चला जाए बॉडी के अंदर, कोई बैक्टीरिया चले जाए, या इसके अलावा कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म जाके बैठ जाए तो आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है, या वहाँ पर लिक्विड इकट्ठा कर देता है, पस इकट्ठी कर देता है, जो आपके लंग्स को या ब्रोंकाई को या इसके अलावा जो है नेजल कैविटी या और जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। पहला जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमें रिवाइज करना है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपका ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल इफेक्टेड होता है, यानी वहाँ पर लिक्विड जो है ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस का इकट्ठा हो जाना, इन्फेक्शन का इकट्ठा हो जाना, जिसकी वजह से आपके ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्योल जो है स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं और उनके अंदर से गैस
ठीक हो जाती है पर एंटीबायोटिक्स लेकर। दूसरी चीज आ जाती है क्रॉनिक। क्रॉनिक है शदीद किस्म का ब्रोंकाइटिस का हमला होना। इसके अंदर क्या है, तीन महीने से लेकर 2 साल भी लग सकते हैं इस बीमारी को ठीक होने में, जिसके अंदर लंग्स अफेक्टेड होते हैं बहुत बुरी तरह, आपको सांस लेने में मसला होता है। इसके अलावा जो है लंग अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो लंग ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो ये शदीद किस्म की ब्रोंकाइटिस की सूरत हाल है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या है कि खांसी का बहुत ज़्यादा आना, सांस लेने में दुश्वारी होना, सांस अगर ले रहे हैं तो सांस सीटी की आवाज़ आना, आवाज़ के साथ सांस निकालना, खींच के सांस निकालना, बुखार का चढ़ना, जिसमें हमें कमजोरी हो जाना, ये तमाम ऐसे सिम्टम्स या असरात हैं जो ब्रोंकाइटिस की सूरत में आपको सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगला डिसऑर्डर है कि निमोनिया भी साइलेंट हो जाता है। निमोनिया क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर लंग अफेक्टेड होते हैं, लंग्स खराब होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मुँह के अंदर जो है बलगम का पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसको स्पटम प्रोटेक्टिव कहते हैं। बैक्टीरिया जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो जाके आपके लंग्स के अंदर बैठ जाए और वो एक लंग को ख़राब करेगा, तो आप उसको निमोनिया कहोगे। लेकिन अगर इस बैक्टीरिया की वजह से दोनों लंग्स अफेक्टेड होंगे तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहेंगे। इसके नतीजे में आपके लंग जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, डस्टी या पर्पलिश कह लो कि अपना लंग खो देंगे, और उसके नतीजे में खांसी शदीद आएगी, शिवरिंग को ठंड लग के बुखार चढ़ेगा, वेट लॉस होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी जो हैं वो निमोनिया की हैं। अब निमोनिया के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके लंग्स ख़राब हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, तो उसमें डेथ भी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लंग्स डिस्ट्रॉय हो जाए, उनके अंदर जो है बैक्टीरिया की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो आपके लंग्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा, जिसके नतीजे में डेथ हो सकती है। निमोनिया से बचने के लिए जो है वह हिफाजती जो है वो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है आप एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस बीमारी से सेफ रह सके। 10th क्लास हम लोगों ने आज बच्चे का ब्रीथिंग पढ़ा है, ब्रोंकाइटिस को रिवाइज किया और निमोनिया को रिवाइज किया। ये तीनों टॉपिक अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपने अंडरलाइन किए हुए हैं उनको दोबारा लर्न कर लेना, और पेजेस लेकर उसके ऊपर जो है आपने अपना सेल्फ टेस्ट लेना है कि आपकी ये टॉपिक कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। डायरी है पेज नंबर 7, 11 और 12 आपने लर्न करना है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को लर्न करके लिखना है आपने पेजेस के ऊपर, और उसको बुक खोल के खुद चेक करना है कि आया आपने ये सही लिखा है या नहीं, और सेल्फ असेसमेंट अपनी करनी है।